केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं चेतना सातखेड़ आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, H3N2 भी कोविड की तरह फैलता है, बुजुर्ग रहे सावधान। तिहाड़ जेल पहुंची ईडी की टीम, मनीष सिसोदिया से करेगी पूछताछ। केरल के सीएम विजय ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, सिसोदिया की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। कोर्ट ने ईडी को तिहाड़ में सिसोदिया का बयान दर्ज करने के लिए 3 दिन की अनुमति दी। मेघालय कोनराड संगमा में मुख्यमंत्री पद की ली शपथ, मोदी शाह और नड्डा रहे मौजूद। उमेश पाल हत्याकांड, एनकाउंटर में मारे गए विजय चौधरी का पोस्टमार्टम आज। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर पहुंची सीबीआई, लैंड पर जॉब स्कैम में लालू से करेगी पूछताछ। मेघालय सीएम संगमा के साथ 12 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। सपा के 18 मार्च से कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 2024 का रोड मैप तय करेंगे अखिलेश। पाकिस्तान के पंजाब यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर विवाद, 15 हिंदू छात्र जख्मी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में ट्रेलर ने ऑटो को मारी टक्कर, 2 की मौत। गुवाहाटी पीएम मोदी आज असम के मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। रबड़ी के बाद लालू की बारी, लैंड फॉर जॉब स्कैम में आज पूछताछ करेगी सीबीआई। होली के लिए 491 रूट्स पर 196 विशेष ट्रेन चलाएगी रेलवे। यूपी के सीतापुर में निर्माणाधीन मकान की छत गिरी, 1 की मौत। दिल्ली में 16 साल की लड़की को दोस्त ने गोली मारी। श्रद्धा मर्डर केस, दिल्ली की कोर्ट आज आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर दलीलें सुनेगी। बलूचिस्तान के तरबट में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर हमला, 5 सैनिकों की मौत। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने बिजली संकट के बीच मंत्रिमंडल में बदलाव की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका में फ्रीवे पर बड़ा हादसा, 40 वाहन आपस में भिड़े, कई घायल। बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल में तालाब से 2.5 करोड़ रुपए के सोने के बिस्कुट बरामद किए। गुवाहाटी में जल जमाव कम करने के लिए तहाए जाएंगे 79 पुल। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24x7। धन्यवाद।